नमस्कार, मी संदीप देसाई. आपण एका विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. फार कमी माणसं आहेत जी बोलायला लागली तर असं वाटतं की त्यांनी बोलत राहावं. असंही नाही की नेहमीच आपल्या आवडीचं बोलतात, पण ते बोलतात तेव्हा त्यात एक सच्चेपणा असतो, एक असं वास्तव असतं ज्यातून आयुष्याचा गुंताही मोकळा होण्याचा मार्ग सापडतो. ते बोलायला लागले तर त्या बोलण्याची कधी शायरी होते, तर कधी कविता, तर कधी जगण्याचं तत्वज्ञान. अर्थातच तुम्हाला अंदाज आलाच असेल की आम्ही कुणाबद्दल बोलतोय. गुलजार या नावानंतर आता फारसं काही बोलणार नाही. आपण ऐकूया गुलजारांनाच. यांनी गुफ्तगू की बिस्मिल्ला मेरे नाम लिखी है तो पहले मैं ही शुरू करूं. संजय जी, संजय राय, बहुत बहुत शुक्रिया. आपने बड़ा लंबा चौड़ा तारुफ करा दिया मेरा. और ऐसे मैंने यूं नहीं कहा था कि अवार्ड ही तो है, लेकिन आपने पूछा था कि आप जाएंगे क्या, मुझे याद है. तो मैं क्या देखते हैं, मेरे पास काला कोट नहीं है, अगर मिल गया तो शायद जाऊं. तो मेरे पास काला कोट नहीं था, सो मैं नहीं जा सका, और वो बड़ा जरूरी था वहां के शाम के ड्रेस में. तो बहरहाल मुबारक आप सबको भी, और संजय जी, एंड ऑफ कोर्स विलियम सर एंड नमिता जी, यू हैव वर्क सो हार्ड ऑन दिस. तो ये 10वीं सालगिरह आप सबको मुबारक हो, जिसके लिए आप 10 मंजिलों तक पहुंचे. और जैसा उन्होंने कहा कि ये वाकई बांटने वाली बात है आपस में, मैं इजाजत है मैं इसी तरह उर्दू ही में बात करूं या हिंदी में, जो भी मुझे आती है. तो ताकि आपस में बांटा जाए सब कुछ जो शेयर किया जाता है, क्योंकि फतूर दिमाग के खत्म नहीं होते. वो दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, उसमें बदमाशियां भी आती हैं, चालाकियां भी आती हैं, सिदक भी आता है, सदाकत भी आती है, सच्चाई भी आती है, और बहुत कुछ होता है जो दिमाग में चलता रहता है. हाँ, जहां तक उसका ताल्लुक हमारे समाज से है या सोसाइटी से है, तो वो उनके साथ बांटना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है, और वो उसकी जिम्मेवारी भी लेनी पड़ती है. वो चाहे कोई भी आप काम कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, वो जिम्मेवारी बनती है. और इसलिए जाके जयपुर फेस्टिवल में खास तौर पर सीखने का मौका मिलता है, सुनने का मौका मिलता है लोगों को. वो जो दाना है, वो जो हमसे ज्यादा जानते हैं, उनसे सीखते रहना पड़ता है, वरना आप गलतियां तो करेंगे. तो सबके हाथों में लगता है कि एक लाल पेंसिल है, तुमने कुछ गलत लिखा तो काट देंगे, नंबर नहीं देंगे. तो नंबर लेने के लिए जाते हैं वहां, देखें पासिंग मार्क्स भी मिलते हैं या नहीं, क्योंकि स्कूल में नहीं मिले थे तो मैं अब जयपुर फेस्टिवल में आया लेने के लिए, वहां शायद कुछ पता चल जाए कितने पर्चे पास किए हैं, कितने इम्तिहान दिए हैं. और वहां जाके अक्सर ये हुआ है कि कोई अपनी किताब या नया सबक लिखा हो तो उसके लिए रिलीज के लिए पहुंचते हैं, भाई बताइए, कुछ नज़में सुनाते हैं, कुछ शेर सुनते हैं. लेकिन घूम चूम के एक शेर था कि बात तुम पर ही खत्म होती है, हमसे चाहे कहीं की बात करो. अब हालत यह है कि बात फिल्म पर ही खत्म होती है, हमसे चाहे कहीं की बात करो. तो मुझे ज्यादातर सवाल जवाब वो फिल्म ही के देने पड़ते हैं. उस पर एक जुल्म और हुआ कि बॉब डिलन को नोबेल प्राइज मिल गया, तो अब फोकस कहीं आप पर आने लगा, कहीं आप जाने वाले तो नहीं है, अब कौन सा कोड ढूंढे, और कौन बुलाए, और कौन पहुंचे, कौन जाए, कौन धकेले. लेकिन उससे यह जरूर हुआ कि थोड़ा सा फोकस आया उनकी तरफ, जो फिल्मों में गाने लिखते हैं, शायरी तो करते रहे, किसी के पल्ले पड़ी, किसी के पल्ले नहीं पड़े, ना पड़ी तो सर मुड़ के बैठ गए अपने. लेकिन फिल्में तो आपकी आवाम तक जाती हैं,
तो सब सुनते हैं तो सवाल भी करते हैं, और बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे, मेरे सामने जो मेरे ममतैन हैं, मुझे टेस्ट करने वाले हैं, जो इम्तिहान लेने वाले हैं, वो एक शायर हैं, तो मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि मुझसे टेक्स्ट से बाहर का सवाल ना पूछे। मैं स्वानंद जी के साथ इसलिए, एक शख्स जिसको मिस कर रहा हूँ यहाँ इस वक्त, वो है जिनका जिक्र हुआ था कि प्रसून आएंगे, प्रसून को वाकई मिस करता हूँ। मैं जयपुर भी जाता हूँ तो वहाँ हवेली के पीछे एक छोटी सी जगह है, एक पेड़ है इमली का, और उसके नीचे बैठ के हम बातें करते हैं और उनकी शायरी सुना करते हैं। तो सारण जी, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं माइक पे हाथ रख कर कहता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा आपसे, और अपना तारुफ भी लोगों तक पहुँचाइए। मैं अपना तारुफ, मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, मैं भी फिल्मों में ही कुछ गीत लिखने का काम करता हूँ, और शायद ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं यहाँ पे इस वक्त इतनी उम्दा, इतने अच्छे लोगों के सामने बैठा हूँ, गुलदार साहब के साथ बैठा हूँ, और उनसे कुछ बातचीत करने का मुझे अवसर मिला है। और गुलदार साहब, मैं तो सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा, मैंने अपनी मतलब मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, प्रसून और हम जो हमारी जनरेशन के लिरिसिस्ट हैं, हमारे सामने जो रेफरेंस पॉइंट्स थे उसमें हमेशा उसमें हिंदी फिल्मों के लिरिक्स सबसे बड़े रहे, बजाय इसके कि कोई उर्दू शायरी का रेफरेंस हो या कोई और किसी तरह की पोइट्री का रेफरेंस हो, लेकिन हिंदी फिल्मों के गानों ने और हमारी जनरेशन के लिए खास तौर पे आपके गानों ने हमें, मतलब मुझे तो खास करके, अगर मैं लिखने लगा तो शायद इसी वजह से लिखने लगा कि मैंने कुछ गाने आपके सुने थे, कुछ फिल्में आपकी देखी थी। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि मैं आज 15-16 साल से तो इंडस्ट्री में मैं भी काम कर रहा हूँ, और आपको लगातार लिखते हुए देख रहा हूँ, आपका लगातार लिखते हुए सुन रहा हूँ, आप अपने आप को इतना जवान कैसे रखते हैं, मतलब आपकी अपनी पोएट्री में भी? और मैं बालों में तो खजाब नहीं लगाता, लेकिन स्याही काली इस्तेमाल करता हूँ, वो भी एक वजह है। सारे राज जवानी के बता थोड़ी दिए जाते हैं, लेकिन ये जरूर है कि आप जो, अगर जैसा आपने कहा था कि अगर आप मुझसे देख के, मुझसे इंस्पायर होके आपने सोचा कि चलो शायरी भी करके देखते हैं, क्योंकि आप एनएस जी के तालिब इल्म हैं और डायरेक्टर बनने के लिए आए थे, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, एक्टर बहुत अच्छे हैं, स्टेज पर इनके साथ काम किया और बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन शायरी का ये कसूर मुझ पे मत डालिए, मैंने नहीं आपसे कहा था कि क्योंकि ये नसीहत देना बड़ा मुश्किल काम है किसी को, कहना पॉपुलर गलाने वाली बात है कि गलत राह पे डाल दो, ये अच्छा एक डायरेक्टर है, अच्छा एक्टर है, ये कामयाब हो रहा है उस तरफ, तो इसको इधर डाल दो, चलो गाने लिखो। नहीं नहीं सर, वो आपको खुद नहीं करना पड़ता, आपका काम कर देता है, और शायद यही खूबसूरती है कि हम पढ़ते हैं और पढ़ के कुछ लगता है कि मैं ऐसा ही कुछ सोचता हूँ या मैं ऐसा कुछ सोच सकता हूँ, हजार दरवाजे खुलते हैं, हजार चीजें खुलती है। उसके अलावा मैं दूसरी चीज जो मैं भी अभी आपसे, मतलब आप फिल्मों के गीत लिखते हैं, उसके अलावा आप बकायदा अपनी खुद की चीजें भी लिखते हैं, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपने इन दिनों काफी कुछ रीजनल पोएट्स को, मतलब मैंने कुसुमाग्रज जी को कविताएं आपने की थी, उसके बाद आपने भी रविंद्रनाथ जी के ऊपर इतना, मतलब रविंद्रनाथ जी को मैं रीजनल पोएट नहीं कहूंगा, माफ कीजिए, लेकिन वो सब बंगाली में लिखते हैं। सच तो ये है कि रीजनल लैंग्वेजेस हैं नहीं, हम उनको, हम जिनको रीजनल कह देते हैं ये नाजायज है, क्योंकि वो सारी की सारी नेशनल लैंग्वेजेस हैं। आप बंगला को कैसे कह सकते हैं कि रीजनल लैंग्वेज है, आप तमिल को, आप क्लासिक लैंग्वेज ऑफ आर कंट्री, आप उसे कैसे कह सकते हैं ये रीजनल है। वो रीजनल एक, वो पता नहीं वो लफ्ज कैसे खड़ दिया गया, बट आई थिंक ऑल दोज बड़ी मेजर जबाने हैं हमारे हिंदुस्तान में, और सारी की सारी नेशनल लैंग्वेजेस हैं। जी हाँ, ये जरूर है कि
जो हमारी सरकारी जबान है उसको नाम नेशनल दे दिया है जी, तो वो सरकारी हिंदी कह सकते हैं आप सरकारी, हाँ एक सरकारी जबान है, कौमी जबान जिसे हम कहते हैं, कौम का शायद तर्जुमा अनुवाद नेशन से हो गया तो इसलिए नेशनल कहने लग गए, लेकिन वो अवाम की जबान है। हिंदी बहुत बड़ी जबान है, उर्दू बहुत बड़ी जबान है और तकरीबन साथ साथ चलती है। मैं तो उसको इलादा करके अगर आप देखना शुरू करें तो आपको बीनना मुश्किल है कि मुश्किल से दाने से कैसे कौन से दाने निकाले जाए, कौन सा उर्दू है कौन सा हिंदी है। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ हमेशा कहा है और अभी कि अगर आप दाएं पहलू बैठे होंगे तो उर्दू होगी, वहां से शुरू होगी, बाएं बैठेंगे तो हिंदी शुरू होगी। तो सिर्फ वो पहलू बदलने वाली बात है, वरना वो एक ही जबान है। गांधी जी ने जैसे इसका जिक्र भी किया था कि अगर कहा था कि इसको नाम हिंदुस्तानी दे दीजिए तो आसानी होगी, क्योंकि तो हिंदुस्तानी कहने से एक तो ये कि एक जबान हमारे हिंदुस्तान में हम कोई भी एक जबान तो नहीं बोलते, मतलब अंग्रेजी भी एक अंग्रेजी तो नहीं है हिंदुस्तान में, कई तरह की अंग्रेजी बोली जाती है, कई तरह की हिंदी है और जगह जगह की, और जिसे रीजन्स कह सकते हैं वो रीजनल बोलियां हैं और वो बोलियां अपनी तरह से उस हिंदी में शामिल होती हैं तो हिंदी की खूबसूरती बढ़ जाती है। भोजपुरी डाल दीजिए, अवधी डाल दीजिए तो हिंदी और खूबसूरत लगने लगती है। आप हैदराबाद चले जाइए तो वो जिसे हम दक्कनी कहते हैं उर्दू ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है, उसका एक और रंग निखर आता है। पंजाब की उर्दू, नॉर्थ की उर्दू, लखनऊ की उर्दू वो अलग है, अलग है, उसका लहजा अलग है, वो बेसिक ग्रामर ही सही। तो रीजनल लैंग्वेजेस का काम करते करते मुझे एक ख्वाहिश थी, वो भी कहीं रॉय साहब के पास जाएंगे तो जयपुर ही में पेश करेंगे। मैंने आज की कंटेम्प्रेरी पोइट्री, जो आज की शायरी इस वक्त की जो हो रही है, जो एक तो आजादी के बाद जो जो हालात से हम गुजरे हैं या आवाम गुजर रहे हैं या आवाम के नजरिए से, आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उसके बाद की जो शायरी है, जिसमें मैं गालिब को, इकबाल को या टैगोर को इनको नहीं शामिल करता, लेकिन जो अब तक बिल्कुल अब तक 21वीं सदी के शुरू होने के बाद भी अभी तक मैं कहूँ, तो मैं वो तमाम शायरी जहां जहां से हासिल हुई है हिंदुस्तान की तमाम जबानों से, आज की कंटेम्प्रेरी शायरी, और मैंने उसका तर्जुमा करना शुरू किया। करते करते आज 7-8-10 साल लग गए, पर अब जिस जगह मैं पहुंच गया हूं तकरीबन वो खत्म हो गया है और आज तक की शायरी उसमें शामिल है। कोई समझिए कि मैंने कोई 300 के करीब शायरों को तर्जुमा किया है, 300 से कुछ ऊपर है जिनका, और 32 जबाने हैं उसमें, जिसमें कुछ बोलियां भी शामिल है, छोटी जबाने, छोटे इलाके की जबाने वो भी शामिल है। तो ये एक बड़ा काम था जो कर रहा था इतने वर्षों से। इस बीच में करते करते कोई शायर बड़े बड़े प्यारे लगते हैं तो उनको बांटने को जी चाहता है, जिसमें कोसम आकरेज को, अब आप महाराष्ट्र में रहते हैं, रोज वो बोली सुनते हैं, वो लहजा सुनते हैं, तो वो डिक्शन सुनते हैं, उसका एक लहजा आपके अंदर शामिल तो होगा अगर आप अवेयर हैं तो। ये तो नहीं कि नहीं साहब मैं तो उर्दू ही बोलूंगा, नहीं साहब मुझे दूसरी जबान सुननी है, ये मुमकिन नहीं है। मेरा ख्याल है कोई ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हर एक हिंदुस्तानी कम से कम 4-5 जबाने रोज सुनता है, 2-3 जबाने, कम से कम 3 जबाने बोलता है जब मैं काम करता हूँ। अंग्रेजी है, हिंदी है, एक मादरी जबान है, ये तो बेसिक 3 जबाने उन हर शख्स के साथ वाक्य है। उसके अलावा आप आस पास सुनते रहते हैं, कहीं कोई भैया पास से गुजर गया, हमका कहा बताए हो तुम, कितनी बार बोला है तुमका, कह के निकले आपको एक कान में एक और सुर सुनाई दे दिया, है ना, कोई बंगाली बंगाली बोलते की मुशा है कैमरा चिन, तो आपको एक और आवाज, तो ये आवाजें सुनते हुए तो इसको हिंदुस्तानी कह ले तो अच्छा है, क्योंकि हर एक जबान अपने अपने इलाके में जाकर बदलती है, उसके रुख बदलते हैं। हिंदुस्तानी कहने से मतलब सिर्फ उर्दू और हिंदी का इम्तजाज नहीं है कि इन्हीं दोनों को शामिल किया जाए, हिंदुस्तानी कहने से ये है कि मैं वो
जो हमारी कौमी जबान है जिसे हम हिंदी कहते हैं, मैं वो हिंदी बोलता हूँ जो बंगाल में बंगाल की तरह बोलता हूँ और दक्कन में दक्कन की तरह बोलता हूँ। तो हिंदुस्तानी कह लेना चाहे वहाँ आप छांटते रहेंगे ये हिंदी का लफ्ज है और ये उर्दू का लफ्ज है, तो वो फायदा नहीं उसका। तो ये पूरा काम जो कर चुका हूँ अब उसका तर्जुमा शुरू है, उसका रिविजन शुरू कर चुके हैं हम, हार्पर कॉलिंस विल बी पब्लिशिंग इट, और उसमें फर्स्ट सेट जो आएगा अ पोएम अ डे, आई गिव यू वन पोएट एवरी डे फ्रॉम ऑल दीज लैंग्वेजेस 365 डेज ऑफ द मंथ। इस साथ साथ करते करते एक जबान जो जबानों का शौक है हिंदुस्तान में, बड़ी रिच जमीन है ये और बड़ी कमाल की जबानें हैं, एंड दैट इज व्हाई अच्छा इट्स नॉट प्रोफेशनली पर वो वाकई जयपुर फेस्टिवल में ये बहुत बड़ा काम है कि आपको तमाम लहजे सुनाई देते हैं वहाँ, आप वहाँ पे जाए तो। और ये करते हुए बीच में टैगोर का ट्रांसलेशन उनके राइट्स खत्म हुए तो आजाद हुए, टैगोर पहली बार आजाद हुआ आके वरना ऐसे फंसे हुए थे वहां पे। आप अगर उनकी एक नज्म कहें तो पहले जाके विश्व भारती में दिखाइए, अगर वो पास होगी तब छपेगी वरना नहीं छपेगी। तो वो जैसे ही आजाद हुए तो हमने पल्लू पकड़ लिया कि गीतांजलि, जो आदमी गीतांजलि ट्रांसलेशन करता है, जो आदमी दूसरी जबान में करता है वो गीतांजलि उठा के, और गीतांजलि अंग्रेजी से करता है, गीतांजलि इज नॉट टैगोर हाई एट ऑल, वो बिल्कुल नहीं है, उसमें नोबेल प्राइज मिल गया वो बात अलग है कि वो उस वक्त की उनकी पेशकश थी वेस्ट को, वरना हिज वर्क इज मच मच बिगर, और जो अंग्रेजी में तर्जुमे किए हैं उन्होंने वो बहुत कमजोर हैं, और उनके जो ट्रांसलेशन टैगोर ने खुद किए हैं बहुत खराब हैं। वो उनकी बंगाली शायरी किसी बंगाली से पूछ लीजिए बता देंगे जो ओरिजिनल जिन्होंने पढ़ा है। अंग्रेजी बंगला नज़में जो हैं उनकी इमेजरी खूबसूरत है, अलग है, उसमें हमारा कल्चर है, हिंदुस्तान का पूरा कल्चर उसके अंदर नजर आता है, जो अंग्रेजी में तर्जमा होने के बाद आपको नहीं नजर आता, उनके मतलब समझ में आ जाते हैं। और फिर टैगोर ने ये किया कि जब अपनी बंगाली नज्म का तर्जमा किया है तो क्रिएटिव आदमी है और जीनियस ऑफ अ मैन, जीनियस ऑफ अ पोएट, वो लिखते उन्हें नई इमेज अंग्रेजी में करता है तो उन्होंने लाइन बदल दी, नई लाइन लगा दी, एडिट किया है उन नज्मों को जो 1/3 रह गई हैं या 1/4 रह गई हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, वो लहजा जो बंगाल का है वो आना चाहिए उसमें, तो मैंने उस पॉइंट से उस नुकता नजर से पूरा का पूरा तर्जुमा किया और 2 वॉल्यूम्स उनकी छापी हैं। और आप सिर्फ कुछ शेखी भगाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए कि जहां बंगला की नज्म है उसके सामने हिंदी की है और उसके बाद अंग्रेजी का ट्रांसलेशन जो टैगोर का किया हुआ है। तो ये अगेन शुक्रगुजार हूँ हार्पर वालों का, हार्पर कॉलिंस वालों का, कि उन्होंने तीनों जबानों में वो किताब छापी है, एक ही किताब में 3 जबानें हैं, और उसमें मैंने कोई इमेजरी या कोई लाइन उनकी बदलने नहीं दी और चेक करवाता रहा। दूसरे जो मुझसे बेटर जानते हैं, जो मुझसे ज्यादा बंगाली जानते हैं और बंगाल के राइटर्स हैं, जिसमें मतलब मैं घर बैठ के बीवी से नहीं कहा कि तुम बंगालन हो इसलिए बता दो तो, लेकिन अच्छे राइटर्स को दिखाता रहा, अब वो करके ये दूसरा एक काम। तो मैं तर्जुमे का काम करता रहा इसके साथ साथ, अब काफी बोल चुका मेरे ख्याल से, बिल्कुल। बड़े थे बहुत अरसा हुआ पढ़ी, अब याद नहीं है
बहुत अर्सा पहले पढ़ी थी. मेरा नाम है आनंद. मेरा सवाल आपका, आपने आपने बताया आप रोज पढ़ते हैं कविता, हर एक कवि की हर एक भाषा में, तो आप लिखने का भी रियाज करते हैं रोज? कुछ लिख दिया कविता शायरी, अच्छे हैं लगी यार कि क्या हुआ फिर से लिखे? नहीं, रियाज तो पढ़ने से होता है, रियाज लिखने से नहीं होता. आई डोंट नो, पढ़ना बड़ा जरूरी है. आप एक नज्म के लिए कम से कम एवरेज ये है कि एक नज्म लिखनी है. अगर आपने लिखी है तो कम से कम 100 पढ़ी होंगी, और अगर आपको आयदा लिखनी है तो और पढ़िए 100, और वो एक जगह से नहीं, आप पूरे सिर्फ हिंदुस्तान ही के नहीं, हिंदुस्तान के बाहर की भी जो शायरी होती है, और बहुत जबानों में, फ्रांस में है, जर्मनी में है, अंग्रेजी में है, अमेरिका में, जहां जहां से आप किताबें हासिल होती हैं और पढ़ते हैं. पढ़ता बहुत हूँ, वाकई पढ़ता हूँ, शौक से पढ़ता हूँ, तो उसे रियाज कह सकता हूँ. बाकी रोज तो नहीं लिखता, रोज लिख नहीं सकते, लेकिन ये कुछ ना कुछ वो उबलता रहता है ना, वो हांडी में पानी चूल्हे पर पड़ा हुआ है, वो जब उबाल आता है उसमें और ऊपर से भाप निकलती है, तो वो उसका ढक्कन जो है अपने आप खड़खड़ 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 करने लगता है, तब निकलती है. बस जी, कविता तो आपको जयपुर ही में सुनाएंगे. तो ये कर्टन रेजर है, ये सिर्फ पर्दा उठाने के लिए आए हम, देखिए. हाँ, सुनाएंगे आपको जयपुर में जाकर. जी नहीं, चलिए मैं तो शेर सुना देता हूँ. दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई, और आईना देख कर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई. फिल्में बनाना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि किताबें लिखना चाहता था, वरना फिल्म 24 घंटे ले जाती है जहन में. बस वो कैरिंग अ फिल्म इज अ 24 आवर जॉब. और जिम आप जानती हैं. लेकिन कभी नहीं बनाएंगे ये जो इतनी सारी किताबें, इतना सारा काम किया है, ये अगर मैं फिल्में ही बना रहा होता तो ये ना कर पाता. और ये मेरे जहन में था, और मेरी मोहब्बत किताबों से थी शुरू से, और फिल्मों में बस ऐसे आया कि मैं है ना, आप जा रहे हैं जिस तरफ, मस्जिद की तरफ ही जा रहे होंगे, लेकिन वो रास्ते में एक मैखाना पड़ गया, तो उसमें रुक गए. मैखाने की तरफ फिल्म से गुजर के मैं वापस मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ. वापस नहीं आएंगे जी? वापस नहीं जाएंगे. नहीं, अब मस्जिद से वापस तो सिर्फ वाले आ सकते थे. वो तो कहते थे भाई मैं जाता हूँ, रोज बुलाता है, मैं रोज चला जाता हूँ, ना मिलता है ना दिखता है, तो क्या करें. तो इतनी आरजू तो है कि भाई या तो सामने आओ, है ना, हक बनता है कहने का, और या फिर मिल लो आके, देखें आमना सामना तो हो, कहीं तो हो. गुलजार साहब, भूटान जाते हुए आपने बादलों का कंपैरिजन करा था छोटी छोटी बकरियों की दौड़ के साथ, और दो लाइन में आपने पूरी किताब कह दी थी, यदि आपको याद हो तो. वो हमारे साथ याद नहीं बेटा, बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन वो भूटान जाने की जरूरत नहीं, यही जयपुर में सुना देंगे. मेरा एक सवाल है गुलजार साहब, लिखना एक
सुकून की चीज है, आप सुकून जो आप करते हैं इतने पैशन के साथ, लिखना बहुत सुकून की चीज है मैं कह रही हूँ। तो आप ऐसे इस शहर में जो बहुत ही कैओटिक है, इस कॉन्ट्रास्ट के ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, सुकून की चीज है, मतलब सुकून आपको मिलता है कह लेने के बाद, वरना तो मैं जैसे कह रहा था कि वो अंदर की भाप है, वो बोलता रहता है, सुकून नहीं, यही केओस है, यही केओस जिसमें हम जीते हैं, वहीं से निकलता है, उसी से भाप से सुकून जब मिलता है, जब जरा भाप निकल जाती है, ढक्कन बैठ जाता है, अच्छा चलो आग को जलने दो, फिर दूसरे दिन फिर उबलने लगता है, फिर थोड़ी थोड़े वक्त के बाद फिर उबलने लगता है, ईंधन चलता रहता है, ईंधन उसके डाला जाता है चूल्हे में, और शहर देता रहता है समोसा, शहर हालात हालात, और उससे मैं क्योंकि ये जो आपसे अर्ज किया कि मैंने इतने शायर कोई 300 से ऊपर शायर जिनको तर्जमा किया है और उनका अनुवाद किया जो आप पास पहुंचेगा कभी तो, लेकिन एक चीज का एहसास हुआ मैं ईमानदारी के साथ आप सबके सामने कह सकता हूं कि उससे पहले के शायर, आजादी से पहले की मूवमेंट, आजादी से पहले की शायरी जिसमें मूवमेंट हमारी नेशनल मूवमेंट भी शामिल है और आजादी की बात भी है, आजादी की बात भी जो करते थे, जो इनकलाब के लिए भी लड़ रहे थे और रोजमर्रा की जिंदगी में भी, उस शायरी में वो दम भी था लेकिन एक सुकून था, लेकिन बहुत डिस्टर्ब कर देने वाली शायरी है जो शायरी आजादी के बाद बाद आते आते यहां तक आई है, वो बहुत बेचैन है वो शायरी, उसमें चैन नहीं है बिल्कुल, उससे पहले की शायरी में अगर आप देखें, बावजूद है कि हम आजादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन एक चैन था उसमें और एक सुकून भी था, एक तसल्ली थी, एक तस्कीन थी, लेकिन वो उसके बाद की शायरी में बढ़ती चली आ रही है, और इस दौर में जिस दौर का मैं जिक्र कर रहा हूं, सबसे अच्छी लेकिन बेचैन द डायनेमिक पोएट्री ऑफ टुडे इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड दे आर सफरिंग एंड इट्स हैपनिंग टू देम एंड दैट इज वो सबसे ज्यादा दिल मिलाती हुई शायरी वो वहां पर हो रही है इस वक्त। सर एक्चुअली मैं जयपुर से हूँ और मैं बंगाली भी हूँ, तो मैं लिटरेचर भी पढ़ी हूँ, हमारे लिए इतना मुश्किल होता था कि सिलेबस में जो किताबें हैं वो जयपुर में मिलती नहीं थी हमको, क्योंकि हम चौड़े रास्ते से रेंट पे किताब लेते थे, साल खत्म हो जाता था तो लौटा देते थे, तो मैं लास्ट ईयर पहली बार लिटरेचर फेस्टिवल में गई, इतना अच्छा लगा कि एक स्टेट जिसमें लिटरेसी लेवल इतना कम है वहाँ पे इतने बड़े बड़े स्टोर्स हैं किताबें खरीदने के लिए, इतनी बड़ी बड़ी लोग लाइन में खड़े हैं और पूरी दुनिया आ रही है लिटरेचर के बारे में बात करने के लिए, तो आप सब लोगों को एंड संजय जी आपको भी इट्स अ वेरी बिग ऑनर फॉर अस। तो आई नो आप कर्टन रेजर है इसलिए आप कहेंगे नहीं, पर आपका वीर पुरुष मैंने दो बार सुना है, तो एक बार बस दो लाइन अगर आप कह सके उसके। तो मैं दो लाइनें क्या, दो शेर सुना दिया आपको पूरे जिसमें चार मिसरे थे और आप जयपुर की हैं मैं ये जानता हूँ और आप बंगाल हैं मैं ये भी जानता हूँ और आप बंबई आए हुए हैं ये भी पता चल गया उसके पहले वो उस तरह की भाषा में फिल्में बनती, भाषा मतलब लिखित भाषा की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो इमेजरी थी, और आज जब आप शायरी लिखते हैं तो आपको क्या लगता है कि जो अभी हम लोग यहाँ अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है कि लोग वो जो पढ़ते हैं, पढ़ने का जायका है लोगों में आपको, या फिल्में भी जिस तरह की बनती हैं क्या वो आप पसंद करते हैं? वैसे मुझे इस सवाल की बड़ी देर से उम्मीद तो थी कहीं टपक पड़ेगा अब वो अच्छी किताबों की लिटरेचर की बात कर रहे थे, लेकिन वही मैंने कहा फिल्म पे वापस लौट के आना तो पड़ेगा, लेकिन जो लिखा जा रहा है फिल्मों में या जो गाने भी लिखे जा रहे हैं, मैं इस बात मैं जिस वजह से कह रहा था प्रसून को मिस कर रहा हूं और स्वानंद है मेरे साथ बैठे हुए, ये दो आवाजें, और आप चेक कर सकते हैं इस बात को, आप खुद रिएक्ट कीजिए,
ये दो आवाजें जो हैं एक नया लहजा लेकर आए हैं। फिल्मी गाने या उर्दू माइल हैं और बड़े अरसे से एक पंजाबी की लहर चली हुई है जो सूफियाना। ये दो लहजे कोई पिछले 15-20 बरस से चल रहे हैं, है ना? इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा था। पहली बार प्रसून हिंदी का लहजा लेकर आए हैं बड़े अरसे के बाद, जो अनजान में था या अनजान इंडेवर में था और नीरज जी पास था, वो अरसे के बाद प्रसून वो लहजा लेकर आए हैं, इसलिए वो चेंज बड़ा अच्छा लग रहा है। जिस तरह शुरू में न्यू थिएटर का जमाना है, बड़े बड़े शायर उस दौर में भी लिख रहे थे, उसमें डी एन मधोक आए थे, शामिल हुए थे एक लहजा नया लेकर जो फोक था, जो हमारी फोक लोर और फोक गीत और फोक जितने वो हैं जो लोक गीतों की जबान और उनका जो लहजा जो बंदिशों का लहजा है वो लेकर आए थे। वो लहजा मुझे आप इनमें सुनाई देता है स्वानंद जी के बीच में, एंड आई थिंक दैट इज हिज बिग कॉन्ट्रीब्यूशन इन दीज टाइम्स। उसके अलावा आप जो, और ये वाकई बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है आप लोगों की, और मैं बड़ी ईमानदारी से जैसा महसूस हो रहा है बता रहा हूँ, जिस जबान का आप जिक्र कर रहे हैं मुझे ये बताइए क्या वो जबान उस फिल्म के साथ मैच करती है कि नहीं? अगर जो फिल्म का लहजा होगा तो आपके गाने भी वैसे होंगे, आपकी जबान भी वैसी होगी। अब वो जो मैं कई बार मिसाल दे चुका हूं कि वो खूनी जो बात बात पे ठड़ियों करते हैं और निकालते हैं वो अपना औजार और ठड़ियों, ये तेरी मतलब तुम्हारी राय होगी पर बदलो इस राय को, मतलब राय वो जो मेरी है तुम कौन होते हो, उड़ा दिया। और वो शराब पी के जब गाना गाना चाहता है, पी लिया वो उसको गुनगुनाएंगे, वो गाना गा रहे हैं तो वो क्या गाएगा, वो दिले नादा तो ये हुआ है तो नहीं गाता है ना, तब ये गाता है गोली मार भेजे में भेजा शुरू करता है। तो इसलिए वो जबान बदलती है उस किरदार के साथ। तो आप जैसी फिल्म बनाएंगे वैसा ही लहजा होगा उस जबान का भी, और पसंद आती है, जाहिर है कि आवाम को पसंद आ रही है उनका। अब वक्त भी तो बदला हुआ है, आप म्यूजिक वक्त बदलेगा वक्त के साथ। आप आज भी अगर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि हाँ बड़े बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, रोशन जी थे, मदन मोहन जी थे, सचिन देव बर्मन थे, लेकिन आज के मौसीकारों ने क्या कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया? आज के दौर के साथ देखिए आपकी रफ्तार बदल गई, कपड़े बदल गए, आपका खाना पीना बदल गया, और म्यूजिक वही रहेगा 50s का 60s का, वो क्यों? वो भी तो बदलेगा, और उससे तो भी ज्यादा जबान पे, उससे भी ज्यादा जबान पे जिद है कि जबान ना बदले, वो भी बदलेगी। तो आपको भी कहीं उस वक्त से, उस माहौल से, उस गुफा से निकल के तो आना पड़ेगा अगर आप चलना चाहते हैं वक्त के साथ। तो वरना तो फिर रहना आज का, और ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन सुनते चले आते हैं, अजी ये आजकल के लड़के, अजी ये आजकल के लड़के, ये बहुत गौतम बुद्ध के जमाने में भी कहा करते थे और आज भी कहते हैं। तो जरा से इस दौर के साथ आइए। ए आर रहमान इज द फर्स्ट मैन जो आपका, मैंने इलाउद्दीन साहब, रवि शंकर जी, ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक लेकर गए थे ना बाहर, फिल्म म्यूजिक पहली बार आपका वेस्ट में स्वीकार हुआ है और पसंद किया जा रहा है। हमारे दौर में जो फिल्में थी हम गाने काट के फॉरेन वर्जन बनाया करते थे, आज गाने एक्स्ट्रा डाल के बनाते हैं क्योंकि हिंदुस्तानी म्यूजिक इज बीइंग लाइक्ड एवरीवेयर, इट्स बीइंग सोल्ड। तो यू शुड लुक एट दिस साइड आल्सो एंड नॉट ऑलवेज कीप डिनाउंसिंग नहीं ये आजकल के गाने, आजकल के गाड़ी में लेके बर्गर खाते हैं और उसी में चलाते हैं और काम पे जाते हैं। Thank you very much, Gulzar Saab, Swanand ji, thank you very much.